दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। अभी यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ रही है डॉक्स कॉइन की। तो जो डॉक्स का लिस्टिंग डेट है वो यहाँ पर क्या कि बात की जा रही है कि ये इंटरनेशनल डॉग डे के अंदर इसको पोस्टपोन कर दे, क्योंकि 23 तारीख को यहाँ पर ऑफिशियल लिस्टिंग होनी थी। लेकिन अभी उस लिस्टिंग का यहाँ पर अपडेट जो आ रही है वो ये आ रही है कि इसको 26 अगस्त तक इसको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि 23 और 26 के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई 26 को तक इसको पोस्टपोन कर देते हैं, और बाकी जो यहाँ पर पहली डेट थी वो 20 अगस्त की थी, यानी आज के दिन लिस्ट होना था। अब उसको बढ़ा के 23 किया गया, अब 23 से उसको 26 किया जा रहा है। तो मोटा मोटा ये अपडेट हमें डॉक्स की तरफ से देखने को मिल रही है। और बहुत सारी जगह अगर आप देखोगे ट्विटर के ऊपर, कई सारे स्क्रीनशॉट के अंदर उनको 26 डेट दिखी, उसके बाद में उन्होंने स्क्रीनशॉट को पोस्ट किया। और अभी यहाँ पर लगभग हर कोई वेट कर रहा है कि भाई 26 अगस्त को डॉग्स की लिस्टिंग यहाँ पर हो। और इसी बीच यहाँ पर एल बैंक के ऊपर डॉग्स प्री मार्केट के अंदर लिस्ट हो चुका है। जो प्री मार्केट के अंदर जो लिस्टिंग हुई है वो जनरली क्या होता है कि जब भी कोई कॉइन प्री मार्केट के अंदर लिस्ट होता है तो वहाँ पर प्राइस पम्प होता है और उसका कोई बहुत बड़ा मीन्स नहीं रह जाता। प्री मार्केट के अंदर लोग यहाँ पर फंसते हैं। मैं अभी एक्चुअली एयरपोर्ट पर हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी नॉइज भी होगी, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी, आप सभी को देना इम्पोर्टेंट था। क्योंकि 4-5 आवर्स ऐसे होंगे जहाँ पर मेरे पास में कोई इंटरनेट नहीं होगा प्रॉपर तरीके का, और मैं शायद आपको अपडेट ना दे पाऊँ, तो इसीलिए सोचा कि आपको जल्दी से अपडेट देता हूँ यहाँ पर। तो अभी जो डॉक्स यहाँ पर एल बैंक के ऊपर ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, एल बैंक के अंदर 0.04 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्री मार्केट के अंदर क्या प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी बड़ी चीज़, यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत सारे यहाँ पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जो डॉक्स कॉइन है कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिस्ट ही ना हो, हमेशा की तरह ये डेट पर डेट देता रहे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर केस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो एल बैंक के ऊपर अगर मैं देखा जाए तो ऑलरेडी यहाँ पर प्री मार्केट के अंदर लिस्ट हो चुका है। दूसरी बड़ी चीज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एक्सचेंज के साथ में इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है और एक्सचेंजेस अपनी तरफ से अनाउंस कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली क्या है कि जब ऐसा केस होता है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिले वाला कोई यहाँ पर चीज़ें नज़र आएंगी। बाकी आपको बैक टू बैक सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।